हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। देखिए, मैं कद्दू की सब्जी बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे आधा किलो कद्दू ऐसे पीसों में कट करके रखा है छिलके वाले में, क्योंकि पका कद्दू है तो इसका खट्टा मीठा कद्दू बनाएंगे। बिल्कुल सादियों जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल वैसी बनेगी। देखिए, चलिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। मैंने तेल गरम करने रख दिया है गैस पे, देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर हींग डाली है थोड़ी सी, थोड़ी हरी मिर्ची दो कट की है मैंने, और मेथी दाना इसके साथ मिल जाएगा। बढ़िया सुनहरा और जाने दे, मिर्ची और मेथी दाने को दोनों को सुनहरा होना चाहिए। मेथी दाना इसमें बहुत जरूरी है, उससे ही इसका स्वाद आता है। देखिए, अच्छे से सुनहरा हो गया है। अब इसमें तेज पत्ते डालेंगे, तो एक या दो डालिए आप जितना आपको गरम मसाला पसंद है। ये गरम मसाले के साथ लच्छे वाला गरम मसाला आता है, वो भी ऐड कर देंगे इसी में। थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल देंगे, अदरक कुटा हुआ। देखिए सारे मसाले कितने अच्छे से भुज रहे हैं। देखिए, चार पांच काली मिर्च का पाउडर है और दो लौंग है इसमें मैंने जो ऐड किया अभी। और अब इसमें कद्दू डाल देंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा। आप इस वीडियो को देख के अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनेगा। आप मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर। देखिए, मसाले मैंने मिला दिया है इसमें, वो तेल थोड़ा सा। अब स्वाद के अनुसार आप नमक डालिए पहले, और एक आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और बस इसको थोड़ा सा चला के ढक के रख देंगे, इससे ये पक जाएगा। देखिए, मसाले मिल चुके हैं, ढक के रख देते हैं इसको, थोड़ी देर पकने देते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं पक गया क्या। अगर कोई इसको 95 तक पकाना है, 5% छोड़ना है उसकी। अब देखिए, ये हो गया है 95% पक चुका है। तो अपन इसमें मैंने अमियां काटी है छोटी, आम का सीजन है इस टाइम इसलिए। चलिए, मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देती हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। मैं इसको चला देती हूँ। देखिए, एक चम्मच बड़ा धनिया पाउडर, इससे बहुत अच्छा टच आता है, और थोड़ी सी स्वाद के अनुसार मीठा आपको कैसा पसंद है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच चीनी का ऐड कर दिया है। अब सबको मिला के सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है, फिर अपनी सब्जी देखना कितनी अच्छी बनेगी। बिल्कुल इसको थोड़ा सा 5 मिनट ढक के पकाना। चलिए, 5 मिनट हो चुके हैं, और देखिए अपनी सब्जी ने भी कितनी अच्छी खुशबू आने लगी है, कितनी अच्छी पक चुके हैं सारे मसाले, और बिल्कुल बहुत अच्छी खट्टी मीठी खुशबू आ रही है। चलिए, इसमें धनिया ऐड कर देते हैं, हरे धनिया, और इसको सर्व कर लेते हैं, परोस लेते हैं। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सब्जी बनी है, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।